हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से आज HCS का पेपर है और आप देख सकते हैं कि करनाल के SP गंगाराम पूनिया अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी हो जाता है कि ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके के साथ पेपर आयोजित करवाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कोई अगर पेपर होता है तो उसमें गड़बड़ी कई बार हो जाती है और जिसके कारण जो बच्चों का भविष्य है वो भी अधर में लटक जाता है, जो सरकार की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाती है। तकरीबन 14,000 से ज्यादा बच्चे आज करनाल में 36 शिक्षण संस्थानों के 47 परीक्षा केंद्रों पर अपना एग्जाम देंगे और इस बार एक नया ऑप्शन भी रखा गया है कि बच्चों को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर सभी बच्चे कोई भी बच्चा अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहता है तो एक पांचवा ऑप्शन रखा गया है, उसे फिलअप जरूर करना है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक ओरिजिनल कॉपी है साथ ही साथ एक कार्बन कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी आयोग अपने पास रखेगा और जो कार्बन कॉपी है वो अपने घर लेकर जा सकता है। आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे जो HCS का आज एग्जाम देने के लिए आए हैं और पूरी तैयारी इन्होंने की है। उम्मीद करते हैं कि जिस भी बच्चे ने अच्छी तैयारी की हो, अच्छा पेपर देगा, वो उसका सिलेक्शन भी होगा। सुबह 10 से 12 एग्जाम था, सेकेंड पेपर 3 से 5 रखा गया है और 47 परीक्षा केंद्रों पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और बकायदा चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड रोल नंबर देखा जा रहा है, स्कैन की जा रही है चीजें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार अपनी जो इस तरीके की पॉलिसी होती है उसमें पूरी तरीके से सही रहे, इसलिए ये एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो अभ्यर्थी आते हुए नजर आ रहे हैं उनकी मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर चेकिंग हो रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अलग अलग परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर आज HCS का एग्जाम हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? देखिए करनाल में आज 36 लोकेशन पे 46 एग्जाम सेंटर है टोटल जहाँ HCS का एग्जाम हो रहा है। अभी 3 से 5 बजे तक द्वितीय पेपर है। हमारी तरफ से जिला पुलिस की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। हर सेंटर पे पर्याप्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और साथ में DSP रैंक के ऑफिसर भी उनकी सुपरविजन के लिए लगाए गए हैं। साथ में ही लोक सेवा आयोग की तरफ से भी फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक वगैरह इत्यादि का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कई बार नकल हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है, फिर बच्चों को भी परेशानी होती है, प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी परेशानी होती है। देखिए HCS का एग्जाम है, बहुत एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है जो HPSC के द्वारा आयोजित किया करवाया जाता है और ये एग्जाम बिल्कुल ईमानदारी के साथ में और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सारे प्रशासन के जितने भी अंग हैं वो सारे काम कर रहे हैं। जिला पुलिस भी उसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि बिल्कुल एग्जाम है वो फेयर वे में संपन्न हो जाए। सर कितने सेंटर बनाए गए हैं? टोटल करनाल में 36 लोकेशन पे 46 एग्जाम सेंटर बनाए गए। एक इसमें नया ऑप्शन भी लेकर आए हैं कि कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो पांचवा ऑप्शन है, उस पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर खाली नहीं छोड़ के जाना है इस पर। देखिए ये तो HPSC की अपनी व्यवस्था है और जब भी अभी सेंटर स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें HPSC के मेंबर भी आए थे, उन्होंने भी सेंटर स्टूडेंट्स को इस बारे में ब्रीफ किया था और उन्होंने निश्चित तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। आप देख सकते हैं कि तमाम चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हों वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और बकायदा जो अभ्यर्थी हैं अपना द्वितीय पेपर देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो भी यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं उनके गले में आप आई कार्ड देख सकती हैं और ये आई कार्ड बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी आयोग की तरफ से यहाँ पर चेकिंग के लिए आता है तो बकायदा आई कार्ड भी देखा जाएगा। बच्चे अपना द्वितीय पेपर देने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से उनकी चेकिंग होती हुई नजर आ रही है और आज HCS का एग्जाम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ
जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और परीक्षा अच्छे तरीके से हो, ईमानदारी के साथ हो, कोई भी परेशानी बच्चों को ना आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैनिंग भी की जा रही है आँखों की, फेस की, ताकि जो अभ्यर्थी जिसका एग्जाम है वो यहीं पर एग्जाम देने के लिए आए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हरियाणा में HCS का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत, अपनी किस्मत को अजमाने के लिए इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। उन्होंने मन लगाकर तैयारी की है, अलग अलग सेंटर्स पर जाकर तैयारी की है, किसी ने घर पर बैठकर तैयारी की है, और उनका भविष्य इस पेपर के जरिए बदल सकता है। इसलिए आज करनाल में जो तकरीबन 36 शिक्षण संस्थान है उसके 46 से 47 जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर 14,600 से ज्यादा बच्चे अपना एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हम आपको करनाल की जानकारी दे रहे हैं। दो जानकारियां जो इस बार काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम है, एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी, एक कार्बन कॉपी रहेगी, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो आयोग अपने पास रखेगा, और जो कार्बन कॉपी है आंसर्स की वो विद्यार्थी अभ्यर्थी अपने साथ लेकर जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शंस रहते हैं, पहले 4 ऑप्शंस रहते थे, इस बार 5 ऑप्शंस रखे गए हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी इस बार आंसर खाली नहीं छोड़कर आएगा कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, उसके लिए 5वां ऑप्शन रखा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आप 5वें ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप वहां पर उसको फिलअप कर सकते हैं, ताकि जो गड़बड़ी है वो रोकी जा सके। क्योंकि कई बार देखते हैं कि कई बच्चे 60-60 के जरिए पूरा पेपर खाली छोड़ आते हैं, उन्हें लगता है कि पैसे देकर, रिश्वत के जरिए या किसी को फोन पर कहकर उनका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन HCS का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से ये पेपर आयोजित करवाया जाता है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चेकिंग की जा रही है, स्कैनर के जरिए चेकिंग की जा रही है, करनाल के SP खुद अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं ताकि नकल की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने जिस हिसाब से मेहनत की है उसी हिसाब से वो एग्जाम देकर आए, और जिसका एग्जाम अच्छा हो और वो फिर HCS क्लियर कर जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।